नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। तो ठंड बहुत है, सब लोग अपना ध्यान रखें। और आज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना किचन टूर, जो कि मेरा नॉन मॉड्यूलर छोटू सा किचन है, उसका टूर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ अपने किचन में। तो यहाँ हॉल से ये एंटर होते हैं हम किचन में, और सबसे पहले आपको दिखेगी मेरी ये सब्जियों की और फ्रूट्स की टोकरी। और यहाँ पे मैंने सिलेंडर के ऊपर ही ये फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, और दो टोकरियाँ ये हैं, तो एक आलू प्याज और दूसरी जो है सब्जियों के लिए और फ्रूट्स के लिए, क्योंकि आजकल जो है फ्रिज में हम नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए जो है ये मैंने बास्केट्स यहाँ पे रखी हैं। और ये है बर्तन का स्टैंड, और साथ में जो है ये हमने जो लकड़ी के ये बनवाए हैं, दोनों ये लकड़ी के हैं, अलग से बनवा के यहाँ पे लगवाए हैं, तो जिसमें मैंने ये सामान रखा है। तो यहाँ पे ये दोनों मैंने दोनों इसी साइड जो है बर्तन रखे थे, तो इसी के साथ मैंने ये बर्तन वाला स्टैंड भी यहाँ पे लगवा दिया, क्योंकि दूसरी साइड जो है, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ, इस वाली साइड जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं था इस रैक को लगाने का। और जैसे ही आप एंटर होएंगे तो ये है यहाँ पे माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव के लिए भी ये लकड़ी का ही जो है स्टैंड बनवाया हुआ है, उसके ऊपर ये माइक्रोवेव है, क्योंकि नीचे सेल्फ में जो है इसको रखने के लिए भी स्पेस नहीं है। तो बस डियर फ्रेंड्स, फ्रिज जो है मैंने अपना रखा है बाहर हॉल में, वो इसलिए क्योंकि वो है बड़े वाला फ्रिज, और उसको रखने के लिए भी यहाँ पे स्पेस जो है बहुत कम था। अगर छोटा होता तो शायद यहाँ पे आ जाता यहाँ पे माइक्रोवेव के नीचे, लेकिन फ्रिज बड़ा था तो इसलिए जो है उसको भी हॉल में ही एडजस्ट किया हुआ है। तो चलिए अभी आगे दिखाती हूँ आपको। बस ये इस साइड जो है सारे बर्तन हैं, और ज़्यादा बर्तन वगैरह मैंने बाहर नहीं निकाले हैं, जितने भी मेरी ज़रूरत के हैं वो ही मैंने बाहर रखे हैं, और जो है अंदर ही पड़े हैं। तो और ऊपर जो है ये है सेल्फ, जिसमें है बड़े बर्तन, कढ़ाई, कुकर वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये है एक साइड, मतलब एक साइड इस तरीके से है, और फिर पे बर्तनों वाली साइड जो है नीचे की तरफ जो है मैंने रखे हैं अपने ये जो भी जो मतलब नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला और जीरा वगैरह, जो मतलब हमेशा हमें रोज के लिए चाहिए होता है, वो बिल्कुल यहाँ पे मैंने सामने ही यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने मसालेदानी नहीं रखी है, मैंने इसी तरीके से जो है डब्बों में सारी चीजें ये रखी हुई है, क्योंकि मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है। ये है फ्रंट साइड, गैस वाली साइड, और ये जो आप देख रहे हो ना ट्रे, ये ट्रे मैंने इसलिए रखी है, इसमें जो है रिफाइंड घी और जो मतलब तेल वगैरह है वो इस पे रखा हुआ है, ताकि फिर जो भी मतलब गिरे, कई बार गिर जाता है तेल वगैरह, तो इसीलिए मतलब ये ट्रे के ऊपर रखा हुआ है। तो यानी कि ये जो नीचे वाला स्पेस है ये भी ऑयली ना हो, इसीलिए जो है ट्रे रखी है, ताकि वो ऑयली हो, उसी टाइम जो है हम इसको साफ कर दें, मतलब इसीलिए जो है ये ट्रे रखी है, ताकि जो भी ऑयली ऑयल वगैरह नीचे गिरे तो वो ट्रे पे ही लगे और मैं इसको जो है साफ कर लूँ। और ये पीछे जो दिख रहा है आपको ये कांच की डबियाँ, ये जो है मिर्ची का और लहसुन अदरक का जो है अचार है, तो ये जो है हस्बैंड को पसंद है, तो ये दोनों मैंने डब्बे छोटी डब्बियाँ बाहर ही रखी है। वैसे तो इस तरफ भी अचार जो कि मतलब डेली यूज़ हो जाता है, और यहाँ पे ये देख रहे हो आप अदरक लहसुन है और टमाटर है। वैसे ये फ्रिज की बास्केट्स हैं, लेकिन आप आजकल ठंड है तो उसकी वजह से जो है चीज़ें बाहर ही रखते हैं, तो इसलिए जो है मैंने यहीं पे ये रख दी हैं। और ये जो है ये है मेरे हर टाइम जो यूज़ होती है कड़छी वगैरह, जो मैं मतलब कंटिन्यूली यूज़ करती हूँ वो है, और जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो मतलब कभी कभार यूज़ होती हैं वो है यहाँ पे। और ये चाय का पैन मैंने यहाँ सामने ही रखा है, इसको मैंने ऊपर नहीं रखा है। और साथ में ये छोटी मोटे जो हमारे डब्बे होते हैं, जैसे चाय मसाला और मतलब जो भी छोटी हींग वगैरह छोटी मोटी चीज़ें जो होती है वो रखी हैं मैंने इस पे। और
ये जो डब्बे आप देख रहे हो ना, ये है रोज के लेने वाले डब्बे हैं ये, और स्टील वाले डब्बे जो है मैंने बाहर रखे हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये मेरे किचन में एक भी डब्बा नहीं है, तो अभी मैं उसी पे आने वाली हूँ आगे। तो ये स्टील वाले मैंने बाहर रखे हैं, जो मतलब मुझे रोज की जरूरत जिन डब्बों की होती है। और ये वाले ऊपर ये जूस की मशीन है और मिक्सर का वो है, और थोड़े से डब्बे वगैरह हैं, और जो रोज चीजें जो इस्तेमाल होती है वो है। और ये देख रहे हो आप, ये जो है ये अलग से ऊपर इसलिए है क्योंकि पारस जो है ये चीजें बार बार ये छूता था, तो इसलिए ये जो है थोड़ा सा ऊपर मैंने लगाई हुई है। तो इसमें नाइफ वगैरह मैंने ऊपर रखे हुए हैं, और अब तो पारस बड़ा हो गया है वैसे, अब नहीं लगता है। और तो ये जो है पहले से ही यहाँ पे लगा हुआ था, तो अभी मैंने यही रख दिया है क्योंकि वो चाकू जो है चाकू पीलर लेके खुद ही अपने काम करना शुरू कर देता है, तो इसलिए ये यही दूर ही अभी भी वहीं पे ही लगा हुआ है। और इसी के साथ ये जो आप नीचे देख रहे हो वाइट टॉवल से ढकी हुई, ये है मिक्सर, तो इसके ऊपर जो है टॉवल मैं हमेशा ढक के रखती हूँ। आजकल इसका कवर जो है फट गया है, नया सिलने को है, इसलिए जो है इसके ऊपर मैंने टॉवल ढक के रखा है। और ये है आरओ इस साइड को, और यहाँ पे जो है ये स्पेस मैंने रखा है बर्तन की टोकरी के लिए, जो बर्तन मैं धो के रखती हूँ। तो अभी आपने जो है ऊपर वाला पोर्शन ये सारा देख लिया, और अभी चलते हैं नीचे वाले में। तो ये जो आपको कवर दिख रहा है ना, ये देखिए मैं दिखाती हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे है सारा दालें वगैरह, तो ऊपर मैंने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि डब्बे बहुत जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं। आप चाहे एग्जॉस्ट लाओ चाहे जो मर्जी करो, तो डब्बे जल्दी जल्दी मतलब खराब हो जाते हैं। वैसे तो डब्बा जब खाली होता है धुल जाता है, लेकिन मतलब खराब हो जाता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने ये वाले यहाँ रखे हैं और स्टील वाले ऊपर रखे हैं जो मतलब रोज यूज होते हैं। और ये जो है चीजें मतलब जो राशन वगैरह जो आता है, जो छोटी मोटी चीजें जो बच जाती है वो रखी हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे देखिए पैकेट अभी इन्होंने निकाला होगा, तो बच्चों ने बाहर ही रखा है ये। तो ये दोनों डब्बे मैंने उसके लिए रखे हैं, एक में बिस्किट नमकीन है और एक में दालें वगैरह जो बचती हैं वो हैं। और इसमें टिश्यू पेपर वगैरह है, और ऊपर से ये न्यूट्री का जो चूरा होता है उसका डब्बा है। यानी कि मतलब ये रख लीजिए आप, ऊपर जो है दालें वगैरह है, और दिख रहा आपको अचार चूर के डब्बे, मतलब जितने भी प्लास्टिक के डब्बे हैं वो मैक्सिमम आपको यहीं पर मिलेंगे सारे, एक दो होंगे स्टील के। और ये जो है नीचे वाला पोर्शन है सामान का, और इस सामान के पीछे हैं जो मैं बर्तन मतलब एक्स्ट्रा मेरे बर्तन हैं वो। तो एक कबर्ड इस साइड को है, और ये देखिए ये है आटे का और ये चावल का, और इसमें जो है चीनी रखते हैं, और इसमें भी सामान ही पड़ा है, मतलब ये इस स्पेस में जो है ये वाली चीजें रखी हुई है मैंने। और इधर है डस्टबिन वाला स्पेस, और एक कबट है ये। तो इसमें जो है वो साबुन वगैरह जो है और लाइजोल वगैरह वो वाली चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो ना, इसमें जो है ये है पॉलीथीन, और जो बोरियां वगैरह होती हैं काम की जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो जी इस तरह से मैंने अपने किचन को जो है अच्छे से मतलब वो रखा है, एडजस्ट किया है। डियर फ्रेंड्स, ये था मेरे किचन का टूर। आई होप आपको जो है मैंने किस तरीके से अपने किचन को रखा है अच्छा लगा होगा। और आप लोगों के पहले भी बहुत से कमेंट आते थे कि आप जो है एक बार अपना किचन टूर जरूर करवाइए, तो इसीलिए जो है मैंने ये वीडियो सोचा मैं बना देती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है
तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को जो है आप बेल आइकन को दबा के उसे ऑल पे सिलेक्ट करके जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको चैनल जो है सर्च ना करना पड़े, आपको जो है मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है चैनल को सर्च ना करें। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। बाय बाय।